Hey, what's up everyone? I'm UTG and welcome back to our channel. Hope you all are well. तो अब से हम फेस कैम की वीडियो स्टार्ट करेंगे और मैं आ गया हूँ एक नया बेस लेके जो ग्राउंड अटैक के लिए है। उससे पहले हम चश्मा पहन लेते हैं और अब यहाँ पे तो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो बेस है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ देखो। तो ये जो अटैक है इसको ध्यान से देखना है। इस बंदे ने एक रॉकेट लॉन्चर टेक डाउन करा और उसके बाद इसको क्या याद आता है कि ये विच अटैक करने आया है, ड्रैगन नहीं। तो उसके बाद इसने इन्फर्नो टेक डाउन करे। और अगर आप ये अटैक देखना चाहते हो उससे पहले ये जो बेस है इसका लेआउट अच्छे से देखो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो करंट बेस अब ये है उसका लेआउट क्या है। ध्यान से देखना, मैं स्पीड तेज कर रहा हूँ, आप जल्दी से देख लेना इसे। उसने लोग छोड़ा है ताकि ये ईगल को टेक डाउन कर पाए, पर जो लोग है वो टूट जाती है और ईगल भी टूट जाती है। ये बात मैंने क्यों बोली है ये आपको आगे पता लगेगा। और यहाँ देखो वो जो दूसरा इन्फर्नो था वहाँ तक उसके सिर्फ जाइंट गए तीन, उससे पहले उसकी सारी आर्मी बीच में ख़त्म हो गई है। तो ये जो बेस है ग्राउंड अटैक के लिए मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छा बेस है। और ये जो बेस उस टाइम था आपने जो देखा, और अब इसका होम बेस मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा हो रखा है। तो अब मैंने इसको ऐसा बना दिया जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे ईगल के यहाँ पे भी तीन बॉल लगाई है। वो क्यों, जब लॉग लॉन्चर का लॉग छूटता है तो वो चार चीज़ों पर टकराता है और उसके बाद टूट जाता है। तो मैंने ईगल की सिक्योरिटी बढ़ा दी ताकि जो लॉग लॉन्चर है वो ख़त्म हो जाए, उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाए और ईगल फिर भी ना टूटे। और होम विलेज पे इसको बिल्कुल मत लगाना क्योंकि उसका टाउन हॉल है वो बाहर है, तो जो बाकी लोग हैं वो आएंगे और एक स्टार लेके चल जाएंगे, तो होम विलेज में मत लगाना। तो ये बेस पूरा रेडी है वॉर के लिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी फर्स्ट फेस कैम की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मेरे को और अच्छा फील हो और मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।